यस स्टूडेंट्स कम ऑन द टॉपिक। चैप्टर 6 अपना कंप्लीट है। ओके, क्वेश्चन आंसर मैं आपके पास में सेंड कर दूंगा। क्लियर है? अब देखिए इसकी एक्सरसाइज आप फाइंड करना, फिर बाद में मैं फिल करवा दूंगा। ओके, आई थिंक एक्सरसाइज तो हमने कर ली है इसकी। ओके एक्सरसाइज तो अपने इसकी कंप्लीट है। अब हम देखते हैं चैप्टर 7। वेरी इंपॉर्टेंट लेसन है, काफी अच्छा लेसन है, इसको बहुत अच्छी तरह से आप पढ़ना। ओके, थोड़ा लॉन्ग भी है ये लेसन। यस, चैप्टर का नेम है राइज ऑफ न्यू आइडियाज एंड रिलीजन। मैं तो लेसन फर्स्ट, इससे पहले वाला जो था लेसन 6 से, उसी का नेक्स्ट पार्ट है ये। ओके, बस चैप्टर नेम इसका चेंज हो गया। चैप्टर वो 6 था और ये 7, जैसे उसमें हमने महाजन पद वगैरह है। ओके, इससे पहले में हमने जो वैदिक एज थी उसके बारे में डिस्कस किया, फिर महाजन पद के बारे में, जनपद महाजन पद। ओके, वहां की क्या व्यवस्थाएं थी, क्या ट्रेड था, अब उसी से रिलेटेड है ये, थोड़ा सा डिफरेंट है बट है उससे कनेक्ट। ओके, देखिए इसमें राइज ऑफ न्यू आइडियाज एंड रिलीजन। ये जो अर्ली टाइम में जो हमने मिडिवल टाइम है या उससे एंशिएंट टाइम के अंदर जो हमने डिस्कस किया है, तो उसका नेक्स्ट पार्ट है ये। अब न्यू आइडियाज का मतलब क्या है इसमें? न्यू आइडियाज वो वाले आइडियाज नहीं है कि क्या विचार इसमें है, जो अपने वेद हैं, ओके, उनके अकॉर्डिंग उनसे रिलेटेड क्या आइडियाज हैं वो इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे। ओके, जैसे उपनिषद उपनिषद है, ओके, कथा है, तैतरीय है। ओके, इस तरह के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। ओके, और इनके कॉजेस क्या हुए कि न्यू आइडियाज जो अपनी जो वैदिक टाइम था, वैदिक जो रिलीजन था, ओके, तो उसके अंदर जो चीजें थी तो उनको कैसे आगे बढ़ाया, या क्या जरूरत पड़ी कि न्यू रिलीजियंस जो है वो डेवलप हुए, वो क्रिएट हुए, जबकि अपना जो वैदिक धर्म था काफी अच्छा था, बट हो सकता है उसके अंदर कुछ ऐसी कंडीशन हो या इस तरह की कोई बात हो जो कि कुछ लोगों को सही नहीं लगी हो, और इस तरह से उन्होंने उन चीजों को हटा के न्यू जो रिलीजन है वो स्टेबलाइज किया, तो उसके क्या रीजन थे। ओके, तो ये भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। ओके, गुड आफ्टरनून। यस रुद्राक्ष, आप लेट आए हो, टाइम से आए कीजिए। ओके, इट वॉज अ टाइम वेन न्यू आइडियाज एंड रिलीजियस बिगेन टू डेवलप। अब देखिए वो टाइम था जिसके अंदर जो अपना जो धर्म था या इंडिया था, उसके अंदर जो भी धर्म था, वैदिक धर्म था, उसमें कुछ नए विचारों का विकास हुआ, नए विचार उसमें डेवलप हुए। सम ग्रुप्स ऑफ फिलोसफर्स वांटेड टू नो अबाउट लाइफ आफ्टर डेथ। कुछ ऐसे दार्शनिक थे, ओके, ऐसे मान लो लीजिए कुछ ऐसे विद्वान थे या, ओके, फिलोसफर दार्शनिक ऐसे थे, तो वो ये जानना चाहते थे कि जब डेथ हो जाती है, ओके, उसके बाद में क्या होता है। ओके, कि डेथ हो गई तो उसके बाद में भी क्या लाइफ होती है। ओके, क्योंकि आपने वैदिक एज में देखा कि जो भी वहां पर जो डेड बॉडीज, जो भी उनके स्केलेटन वगैरह मिले हैं, पार्ट्स मिले हैं, तो उनके साथ में डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट जो थिंग्स है वो भी मिली है, जैसे गोल्ड वगैरह मिले हैं। ओके, तो उनको वो जो चीज यूज करते थे वो भी इनके साथ में ब्यूरिट की गई थी, दफनाई गई थी। तो इट्स मीन वहां उस समय के लोग ये मानते थे कि जब डेथ हो जाती है तो उसके आफ्टर में भी, यानी कि उसके बाद में भी शायद कोई लाइफ रहती होगी। तो अब ये फिलोसफर जानना चाहते थे कि आफ्टर डेथ जो लाइफ होती है वो कैसी रहती है, क्या होता है, और लाइफ होती भी है या नहीं होती है। ओके, अदर ट्राई टू फाइंड द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ। और कुछ ऐसे लोग थे,
या फिलोसफर थे, वो ये जानना चाहते थे कि जो अपनी लाइफ है इसका वास्तव में मीनिंग क्या है, कि किसी का जन्म होता है ओके, उसके बाद वो ग्रो होते हैं, यंग ओल्ड हो जाते हैं और लास्ट में डेथ हो जाती है, तो ये जो सिस्टम है ये क्या चीज है। देयर आइडियाज एंड टीचिंग्स बिकेम द पार्ट ऑफ द लेटर वैदिक लिटरेचर नोन एज द उपनिषद। आप देखिए उनके जो विचार थे, उनके जो आइडियाज थे ओके, देयर आइडियाज एंड टीचिंग्स बिकम द पार्ट ऑफ लेटर वैदिक लिटरेचर। तो उनके जो आइडियाज थे ये बाद में क्या हो गए, जो वैदिक लिटरेचर थे उसका पार्ट हो गए और जिनको उपनिषदास कहा गया ओके। हिंदी में इसको अपन उपनिषद बोलते हैं और ऐसे उपनिषदास कह सकते हैं ओके। तो वो भी उसके पार्ट हो गए, डिफरेंट जो आइडियाज थे वो उसमें मिक्स हो गए। राइज ऑफ न्यू आइडियाज द उपनिषदास ओके। तो न्यू आइडियाज है तो उनको उस समय उपनिषद का कहा गया, क्योंकि उनके जो आइडियाज थे ओके उनको लिखा गया, वो उपनिषद हो गए। अब देखिए वास्तव में जो उपनिषद वर्ड है, संस्कृत का जो वर्ड है, तो उसका मीनिंग क्या होता है, उसका मेन तो मीनिंग ये रहता है सिटिंग नियर, यानी कि पास में बैठना। अब पास में बैठने का मतलब क्या हुआ, कि पास में बैठेंगे मीन्स कोई इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सचेंज होगी, कुछ बातें होगी ओके। और उस समय जो बातें होती थी वो क्या होती थी, उस समय तो नेट वगैरह तो चलता नहीं था, व्हाट्सएप वगैरह था नहीं कि व्हाट्सएप की बातें कर लें ओके, या ऑनलाइन क्लासेस की बातें कर लें, ऐसा नहीं था। उस समय उनके पास में जो भी नॉलेज थी, वेदों से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन थी ओके, और उनसे रिलेटेड जो भी उनमें कंफ्यूजन था ओके, या फिर लाइफ है, आफ्टर लाइफ क्या है, गॉड क्या है, इन सब के बारे में वो डिस्कस करते थे ओके। एक दूसरे को अपने जो भी ओपिनियन है, जो भी विचार है, जो भी आइडियाज है, वो एक्सचेंज करते थे। तो इसीलिए कहा गया सिटिंग नियर, यानी कि पास में बैठकर इस तरह की बातें करना ओके। अब देखिए किसके पास में बैठते थे, फिर वो आपस में डिस्कस करते, उनका जो गुरु रहता था उसके पास में बैठते थे, उनके जो गुरु रहते थे यानी उनके जो टीचर्स रहते थे वो उनको बताते थे कि लाइफ क्या है, लाइफ का एम क्या है, एम मीन्स उसका उद्देश्य क्या है ओके, जन्म मृत्यु क्या चीज है, और आफ्टर डेथ क्या होता है ओके, आत्मा क्या है, ईश्वर क्या है। तो उनके जो गुरु रहते थे वो उनको इनके बारे में इंफॉर्मेशन देते थे। तो उपनिषद मीन्स क्या हो गया, सिटिंग नियर, यानी कि गुरु के पास में बैठना ओके। वो इज रिवर्ड ओके। द टेक्स्ट ऑफ द उपनिषद आर इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्सेशन बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट्स। अब देखिए जो उपनिषद है उसमें क्या है, कन्वर्सेशन है। कन्वर्सेशन मीन्स क्या होता है, क्या बातचीत, कि उसमें जो टीचर्स हैं ओके, जो टीचर्स हैं और जो उनके स्टूडेंट हैं, यानी और शिष्य के बीच में जो भी कन्वर्सेशन होती है, जो भी स्टूडेंट्स की जो भी कंफ्यूजन रहता है, तो उसको टीचर्स क्या करते थे, उनको सॉल्व करते थे ओके। लाइफ के बारे में, डेथ के बारे में, गॉड के बारे में, और भी जो भी प्रॉब्लम्स होती थी या कंफ्यूजन रहता था वो क्लियर वहां पर की जाती थी। तो जो उनके स्टूडेंट्स है वो गुरु से क्या करते थे, क्वेश्चन करते थे, क्यूरीज करते थे कि उनके जो भी डाउट है उनको दूर करते, उनकी जो भी कन्वर्सेशन है उनको उपनिषद में लिखा गया है। तो जो उपनिषद अर्थ है फॉर्म ऑफ कन्वर्सेशन बिटवीन द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स, क्लियर है। देर आर मोस्टली रिटन इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स और डिबेट्स। अधिकतर ये जो चीजें हैं ये डायलॉग्स में है। डायलॉग्स का मतलब क्या है, डायलॉग्स का मतलब है आपस में बातचीत। ऐसे डायलॉग नहीं है जैसे जो आप समझ रहे हैं, डायलॉग का मतलब है उनके संवाद है आपस के अंदर ओके। कि जो गुरु है ओके, वो क्या उनको रिप्लाई कर रहे हैं, क्या उनको आंसर दे रहे हैं, टीचर्स से स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं ओके, उन क्वेश्चन का वो जवाब दे रहे हैं ओके, या कोई उपदेश दे रहे हैं, तो ये सब चीजें उसमें शामिल की गई है। देर आर मोस्टली रिटन फॉर्म ऑफ डायलॉग्स और डिबेट्स। डिबेट्स का मतलब है कि जो स्टूडेंट है वो हो सकता है कि टीचर की किसी बात पर एग्री नहीं हो, तो आपस में उनमें डिबेट भी होती थी ओके। और जो भी रियलिटी है कि जो सच्चाई क्या है, ट्रूथ क्या है ओके, इस
इसके कंक्लूजन में वो निकलते थे। ओके, जरूरी नहीं कि स्टूडेंट ही करे, स्टूडेंट किस चीज के लिए कहते, तो टीचर्स भी उनसे डिबेट कर सकते थे कि ये इस तरह से आप कैसे कह रहे हैं, क्या हो सकता है, आफ्टर लाइफ क्या है, अपनी जो लाइफ है उसका एम क्या है, किस तरह से ये सारी व्यवस्थाएं हैं। ओके, तो यहाँ पर उनकी जो डिबेट्स होती थी उनको भी उसका एक पार्ट बनाया गया। समझ में आ रहा है बच्चों? कोश मान लीजिए पूरा चैप्टर आप बहुत ही मन से पढ़ना, क्योंकि अगर आप आर्ट्स लेते हो तो चैप्टर जो चैप्टर है ये आपके 12th क्लास में भी है, बट उसमें काफी इसको एक्सपेंड किया गया है, काफी उसमें लॉन्ग चैप्टर है। ओके, एक्सप्लेन उसमें ज्यादा है आपके, इसमें बहुत काफी शॉर्ट में दिया गया है। अगर आप नहीं लेते हैं आर्ट्स या अदर सब्जेक्ट लेते हैं तो भी ये बेसिक जो नॉलेज है, अपना जो रिलीजन है, अपनी जो वेद है, उपनिषद है, इनके बारे में हमने हमें इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए, इसकी नॉलेज अपनों को नॉर्मल भी रहनी चाहिए। जरूरी नहीं कि आप आर्ट्स लें तभी इसको पढ़ें, ये तो कॉमन चीज है जो कि हमें सबको पता होनी चाहिए। इसलिए आप इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना, स्लो अपन पढ़ेंगे इस चैप्टर को, स्पीड से नहीं पढ़ेंगे। ओके, हर लाइन में एक्सप्लेन करूंगा तो आप इसको प्रॉपरली इस तरह से कीजिए कि आपको ये डायरेक्ट ही बहुत सारी चीजें इनकी डायरेक्ट लर्न हो जाए। ओके, यस, बिटवीन द टीचर्स एंड द स्टूडेंट और द डिसिपल भी, स्टूडेंट विद्यार्थियों को भी कहा जाता है, स्टूडेंट भी वही है, दे स्ट्रेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ राइट बिलीफ एंड नॉलेज। अब देखिए जो राइट बिलीफ क्या है कि वास्तव में जो जिनकी वो पूजा करते हैं या किस चीज में विश्वास करते हैं, ओके, तो वास्तव में क्या ऐसा पॉसिबल है या क्या ऐसा होना चाहिए, इसकी नॉलेज वो आपस में शेयर करते थे, आपस में जो नॉलेज है वो प्राप्त करते थे, और इनका इनकी क्या वैल्यू है, क्या हम ये इन चीजों हैं तो इनकी क्या वैल्यू है, तो ये सभी चीजें उसमें शामिल है। देर आर सेवरल इंपॉर्टेंट उपनिषद लाइक, अब देखिए जो उपनिषद है वो एक ही नहीं है, कई उपनिषद है। ओके, तो उनमें से कुछ क्या है, जैसे कि तैतरीय, ओके, कथा, छांदोग्य, ओके, मुंडकास, तो उनमें से कुछ ये उसके पार्ट है। द उपनिषद थिंकर्स वर मोस्टली रन ब्राह्मिन्स एंड किंग्स। अब देखिए जो हमने वैदिक इस पढ़ा था उसमें भी हमने डिस्कस किया था, इसके बाद वाले लेसन में भी किया था 6 में, कि जो वेद है उनको हर कोई रीड नहीं कर सकता था, टीच नहीं कर सकता था, उसमें जो ब्राह्मण्स उन्हीं को ये मेन राइट थे, या फिर किंग्स को, ओके, और या फिर जो वेश्य थे उनको भी ये कुछ राइट्स थे, बट जो शूद्र थे उनको ये राइट नहीं था, वुमेन को भी ये राइट नहीं था कि वो वेदों को या इनको उपनिषदों को पढ़ सके। ओके, उस समय की व्यवस्था ऐसी थी, तो अधिकतर जो ब्राह्मण है या जो किंग है वो ही इसके मेन थिंकर्स माने जाते थे, और इसको पढ़ने वाले फिर वो उसको रीड करते थे लोगों, उसके बाद में जो जनरेशन है उन लोगों को उसकी इंफॉर्मेशन देते थे कि इनमें क्या लिखा हुआ है। और ये बात अलग है कि उसमें क्या लिखा हुआ है, रियल में क्या लिखा हुआ है, और इंफॉर्मेशन क्या पहुंचाई जाती है, इसमें भी काफी डिफरेंस हो जाता है, कि कुछ सेल्फिश लोग भी रहते हैं तो जो उसमें नहीं लिखा हुआ है उसको खुद के स्वार्थ के लिए भी दूसरे लोगों को बता देते थे। ओके, तो इस तरह से अपने जो वेद है उपनिषद है उनमें बहुत सारी चीजें नहीं लिखी हुई, बट वो प्रेजेंट में अपने कल्चर में शामिल हो गई। ओके, तो इसका रीजन क्या है कि उसको जो बताने वाले जो लोग हैं उन्होंने अपनी तरफ से उसमें कुछ चीजें मिक्स कर दी या कुछ चीजें हटा दी। ओके, पुअर पीपल हैड फ्यू अपॉर्चुनिटीज टू टेक पार्ट इन सच डिबेट्स एंड डिस्कशन। अब जो पुअर पीपल थे, गरीब लोग थे, वो मोस्टली उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे, बहुत कम ऐसे उनको अवसर मिलते थे कि वो उस डिबेट में हिस्सा ले सके, क्योंकि उनको राइट्स ही नहीं दिए जाते थे। सत्य कामा जवाला, ओके, वाज वन एक्सेप्शन।
और उसी तरह जो पुअर लोग थे उसमें सत्य कामा जो था वो एक उसका एक्सेप्शन है कि जैसे कि हम ये भी पुअर थे लोअर कास्ट के थे, बट ये उसका एक अलग से उदाहरण है क्योंकि ये क्या थे, काफी विद्वान थे तो इन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया था, ये उसका एक अपवाद है। ब्राह्मण टीचर्स एक्सेप्टेड हिम एज ए स्टूडेंट बाय ऑब्जर्विंग हिज ट्रूथफुलनेस एंड हिज टू लर्न अबाउट लाइफ। अब देखिए, ब्राह्मण टीचर एक्सेप्टेड हिम एज ए स्टूडेंट बाय ऑब्जर्विंग हिज ट्रूथफुलनेस एंड हिज डिजायर टू लर्न अबाउट लाइफ। कि जो ब्राह्मण टीचर्स थे, ओके, वो एक्सेप्ट करते थे स्टूडेंट को कि वो उनको उनको जो भी जो ब्राह्मण जो बता रहे हैं कि उपनिषदों में या वेदों में क्या लिखा है उसको वो एक्सेप्ट करें, उसको ऑब्जर्व करें, ओके, और लाइफ के बारे में उसको समझें। लेटर ऑन जबाला वेंट ऑन द बिकम वन ऑफ द बेस्ट नॉन थिंकर्स ऑफ दैट टाइम। लेकिन बाद में जो जबाला थे, ओके, ये मोस्ट इंपोर्टेंट थिंकर्स हुए वेदों से रिलेटेड। सम वुमेन थिंकर्स वर आल्सो देयर, कुछ वुमेन थिंकर्स भी उस समय थी, ओके, जबकि जो वुमेन थी इनको पढ़ने की परमिशन नहीं थी, लेकिन बाद में कुछ चेंजेस हुआ, ओके, तो उसमें कुछ जो वुमेन थी उन्होंने भी वेदों को पढ़ा, उपनिषदों को उन्होंने पढ़ा, और उन्होंने ये फील किया कि जो वेदों उपनिषदों में जो लिखा हुआ है तो कुछ उसमें ऐसी भी चीज है जो कि नहीं होनी चाहिए, या फिर उनको जो बताया गया है, ओके, जो ब्राह्मणों द्वारा उनको जो बताया गया है कि वेदों उपनिषदों में ये लिखा है, तो उन्होंने देखा कि वो तो उनमें है ही नहीं, ओके, तो इस तरह से फिर क्या हुए, जो आइडियाज थे, न्यू आइडियाज जनरेट हुए और इसीलिए फिर न्यू जो रिलीजियंस है वो भी क्रिएट हुए। अब देखिए, उस समय की जो वुमेन थिंकर थी उनमें कौन है, एक गार्गी भी थी, ओके, सम वुमेन थिंकर वर आल्सो देयर, वन सच वुमेन वॉज गार्गी। She was famous for her learning and active participation in debates that were held in royal courts. Okay? अब देखिए, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, काफी डिबेट्स में उन्होंने हिस्सा लिया जो कि रॉयल कोर्ट में होती थी, यानी कि जो राजा का दरबार रहता था तो वहां पर डिबेट्स होती थी कि जो वेदों में क्या लिखा है, उपनिषदों में क्या लिखा हुआ है, क्या वो पूरा सही है, क्या ऐसा होना चाहिए, या फिर उनको क्या बताया गया है, इन सब के बारे में उसमें था। जैसे कि इसमें बताया जो वुमेन है उनको ये राइट नहीं है कि वो वेदों को पढ़े, ओके, तो इस बारे में भी डिस्कस होती थी, डिबेट होती थी कि वुमेन को ये राइट क्यों नहीं दिया जा रहा है, ये कहां पर लिखा हुआ है, कि ब्राह्मणों ने उनको कह दिया क्योंकि वो इनको बताते थे, वो टीचर्स होते थे उस समय के, गुरु होते थे, कि वुमेन इनको नहीं पढ़ सकती, तो पूछती थी हम क्यों नहीं पढ़ सकते, कि इसमें वेदों में कहां लिखा हुआ कि हम नहीं पढ़ सकते, अगर वो लिखा हुआ भी है, ओके, तो वो क्यों लिखा हुआ, लिखा हुआ तो है बट ये भी तो सही है कि वो क्यों लिखा हुआ है, वो तो गलत है कि वुमेन को पढ़ने से उसमें क्या हो जाए। इसी तरह जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो भी वेदों को नहीं पढ़ सकते, तो वो रीजन पूछते थे कि क्यों नहीं कर सकते, ओके, तो इस बारे में डिबेट होती थी। इसके अलावा जो कुछ लोग कहते थे कि आफ्टर लाइफ भी क्या रहती है, आफ्टर डेथ भी लाइफ रहती है, ओके, तो अदर जो है उसके अगेंस्ट में जाते थे कि डेथ के बाद में लाइफ कैसे हो सकती है। इस तरह की जो डिबेट्स होती थी उसमें जो रॉयल जो कोर्ट रहता था, राजा का दरबार रहता था, तो वहां पर डिबेट्स होती थी, जैसे आप टीवी में देखते हैं डिबेट्स होती रहती है, ओके, तो उसी तरह वहां भी डिबेट्स होती थी, एक उसके फेवर में रहते थे और दूसरी पार्टी उसके अगेंस्ट में, ओके। द आइडियाज प्रेजेंटेड उपनिषदास अंडरवेंट मच डेवलप इन लेटर इयर्स। ए ग्रेट थिंकर शंकराचार्य made an in-depth study on them and developed many ideas. जो शंकराचार्य थे उन्होंने उनको पढ़ा, उनके बहुत सारे उसमें ideas शामिल हुए। उपनिषद discuss about creation of the world, creation of man, about conduct, human conduct, meditation, truth like about life and death. Core philosophy of the Upanishad centers around worship, जिसे हम उपासना कहते हैं, एंड डिवोशन यानी कि भक्ति। अब देखिए, जो उपनिषद है उसके अंदर डिस्कस था कि किस तरह से क्रिएशन हुआ इस वर्ल्ड का, यानी कि ये जो संसार बना है तो ये किस तरह से बना, ओके, तो किस तरह से वर्ल्ड बना है। इसके अलावा ह्यूमन कंडक्ट, मानव का जो व्यवहार है वो कैसा होना चाहिए,
दूसरों के प्रति कैसा होना चाहिए, प्रकृति के प्रति कैसा होना चाहिए, ईश्वर के प्रति कैसा होना चाहिए, मित्रों के प्रति कैसा होना चाहिए, सभी जो भी उसके क्षेत्र थे, जो नेचर है उसके प्रति उसका कैसा होना चाहिए, रिवर्स के प्रति, एनिमल्स के प्रति। तो जो ह्यूमन कंडक्ट है यानी कि मनुष्य का जो व्यवहार है वो किस तरह से उनको दूसरों के सामने पेश आना चाहिए, सबके बारे में उसमें लिखा हुआ है। इसके अलावा मेडिटेशन है, यानी कि जो मेडिटेशन आप जानते हो, जैसे कि ध्यान वगैरह लगाना, ओके, या फिर प्रूफ लाइफ एंड डेथ कि जो जीवन है मृत्यु है उसकी वास्तविकता क्या है, उसमें कितनी सच्चाई है जो बताया गया है, ओके, तो ये सब चीजें उसमें लिखी हुई है, ओके। तो ये जो भी उपनिषद है इसमें ये जो पूजा पाठ है, उपासना मीन्स होता है पूजा, वर्शिप यानी कि पूजा करना, उपासना करना एक ही बात है, तो उपासना करना और भक्ति करना, तो इन सभी चीजों के इर्द गिर्द ही ये पूरे उपनिषद लिखे हुए हैं, उनके अंदर इन सब चीजों के बारे में ही बताया गया है, ओके। अब देखिए कॉजेस बिहाइंड द राइज ऑफ न्यू रिलीजन। अब ये सब चीजें अपने थी वेदों में उपनिषदों में, फिर भी ऐसे कुछ कारण थे जिनसे कुछ लोग एग्री नहीं थे इनमें जो भी चीजें बताई गई है, तो फिर न्यू रिलीजियंस क्रिएट हुए, ओके, न्यू रिलीजियंस राइज हुए, तो ये भी हम देखते हैं कि क्यों हुए। सोसाइटी वाज क्लियरली डिवाइडेड इनटू फोर वर्णास, ओके, ये तो आपको पता है कि जो अपनी सोसाइटी थी, ओके, वैदिक टाइम में, तो ये फोर वर्णाज में डिवाइड थी। फोर वर्ण कौन कौन से थे ये आपको पता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, ओके। तो ये इनका क्रम था, जो सबसे टॉप पर थे, हाईएस्ट रैंक में थे, वो ब्राह्मण थे, सेकंड पर क्षत्रिय, जो ब्राह्मण थे वो टीचिंग से रिलेटेड थे, और जो क्षत्रिय थे वो किंग या फिर जो सोल्जर्स थे, आर्मी थे, उनसे रिलेटेड थे, वैश्य जो थे वो ट्रेड वगैरह से रिलेटेड थे, और जो तीनों क्लासेस थी इनकी जो सेवा करने से संबंधित, इनकी हेल्प करने से संबंधित, ओके, जो वर्ण था वो था शूद्र, जो कि सबसे लोअर माना जाता था और इनको वेदों को पढ़ने की परमिशन नहीं दी गई थी, ओके। तो ये फोर वर्ण थे, आप अंडरलाइन कीजिए इसमें। अंडरलाइन कीजिए बच्चों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रास। ओके, तो ये पहले ये जो व्यवस्था थी ये पहले ऑक्यूपेशन पर डिपेंड थी, ओके, कि जैसे कि इमेजिन कीजिए कोई ब्राह्मण है और उसका जो बेटा है वो क्या हो गया, वो अगर सोल्जर बन गया तो वो उसका जो बेटा था वो सोल क्षत्रिय कहलाता था, अगर वो कोई व्यापार करने लग गया तो मीन्स अब उसका जो बेटा है वो क्या हो गया, वैश्य हो गया, ओके। इमेजिन कीजिए कोई एक व्यक्ति है, ओके, क्षत्रिय है, सोल्जर है, और उसके दो बच्चे हैं, ओके, टू सन है, और एक तो टीचिंग करने लग गया यानी कि लोगों को शिक्षा देने लग गया, तो उसका वो बेटा हो गया ब्राह्मण, ओके, और उसका एक बेटा है वो बिजनेस करने लग गया, व्यापार करने लग गया, सामान जो गुड्स थे उनको परचेज सेल ये करना शुरू कर दिया, तो वो हो गया वैश्य, ओके। और इमेजिन कीजिए उसके एक और बेटा है और वो आर्मी में चले गया या सोल्जर बन गया या किंग बन गया, तो वो क्षत्रिय हो जाता है। तो उस समय ऑक्यूपेशन पर डिपेंड थी, ओके, ये वर्ण व्यवस्था, लेकिन बाद में ये किस पर डिपेंड हो गई, ये बर्थ के ऊपर डिपेंड हो गई, कि अगर कोई ब्राह्मण है तो उसका बेटा ब्राह्मण ही रहेगा, चाहे से वो साफ सफाई का वर्क ही क्यों नहीं करे, चाहे वो क्षत्रिय क्यों नहीं बन जाए, सेना में क्यों नहीं चले जाए, या फिर वो बिजनेस ही क्यों नहीं करे, वो ब्राह्मण ही कहलाता था, ओके। तो उस समय स्टार्टिंग में अलग व्यवस्था थी, बाद में उसमें कुछ चेंज हो गया और बर्थ के अकॉर्डिंग ही वर्ण व्यवस्था सेट हो गई। अब ये उसमें क्या था, देखिए, द पीपल ऑफ अपर वर्ण लुक डाउन अपॉन दोज ऑफ द लोअर वर्ण, जो भी अपर के थे वो नीचे वालों को लोअर कैटेगरी के मानते थे, जो ब्राह्मण है तो ब्राह्मण क्या था, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन सबको अपने से लोअर मानते थे, ओके। इसी तरह जो क्षत्रिय है तो वो
उनसे जो लोअर थे वैश्य शूद्र उनको लोअर मानते थे, और जो वैश्य है वो अपने से जो लोअर थे शूद्र उनको मानते थे। तो इस तरह से समाज में ये विभाजन भी उस समय था। ओके, तो जो भी हाइपर था वो अपने से नीचे वालों को लो मानता था। ब्राह्मिन्स कंट्रोल रिलीजन एंड बिकम पावरफुल। जो ब्राह्मण थे वो पूरे जो रिलीजन था ओके पूरा जो धर्म था हिंदू धर्म था उसके ऊपर अपना कंट्रोल रखते थे और काफी पावरफुल उस समय वो माने जाते थे। जो किंग रहता था वो भी ब्राह्मण की बातों को मानता था, क्योंकि ब्राह्मण क्या थे फर्स्ट नंबर पे और क्षत्रिय सेकंड, तो जो क्षत्रिय होते थे वो किंग होते थे। ओके, तो इस तरह से सबसे पावरफुल उस समय कौन थे? ब्राह्मण। तो अंडरलाइन कीजिए इसमें, वो कंट्रोल द रिलीजन। तो आंसर होगा ब्राह्मण। ओके, वॉज द मोस्ट पावरफुल वन एट द टाइम, तो उसमें होगा ब्राह्मण्स। द रिचुअल ऑफ द ब्राह्मण्स वर वेरी कॉस्टली एंड इलेबोरेट। उनके जो भी रिचुअल्स थे ब्राह्मण्स के वो काफी महंगे रहते थे। ओके, एज ए रिजल्ट कॉमन पीपल लॉस्ट इंटरेस्ट इन रिलीजन। तो उस समय जो भी क्रियाकलाप होती थी पूजा पाठ वगैरह का जो भी काम होता था ओके तो वो काफी महंगे थे, तो जो पुअर पीपल है वो कर ही नहीं पाते थे। ओके, जैसे आहुति देना सेक्रीफाई करना या दान देना, तो जो पुअर पीपल है वो पाते थे। ओके, तो उनको काफी निम्न दृष्टि से देखा जाता था उस समय। इसीलिए बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका रिलीजन से विश्वास उठ गया था, उनका इंटरेस्ट उसमें कम हो गया था, क्योंकि उनको ये फील होने लग गया था कि जो ब्राह्मण्स हैं उन्होंने ये जो व्यवस्था बनाई है तो वो सही नहीं है, क्योंकि उसमें जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनको कोई राइट्स नहीं है, जबकि वो भी ह्यूमन है, वो भी मनुष्य है, तो सबको इक्वल राइट्स होना चाहिए। ओके, तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका धर्म से जो मन था वो हट गया था। ओके, अब देखते हैं उसका रिजल्ट क्या हुआ। ड्यूरिंग दिस इज नॉर्थ इंडिया वॉज अर्बेनाइज। अब इस पीरियड के अंदर क्या हुआ, जो नॉर्थ इंडिया था वो अर्बेनाइज होने लग गया था, यानी कि कहने का मतलब है वहां पर शहरीकरण शुरू हो गया था, टाउन्स बनने लग गए थे, और जो विलेजेस थे विलेजेस टाउन्स बनने लगे, और फिर टाउन्स के बाद में सिटीज बनने लगी, कैपिटल वहां पर बन गई, तो अर्बेनाइज हो रहा था। ओके, शहरीकरण हो रहा था। ए लार्ज नंबर ऑफ सिटीज सच एज कौशाम्बी एंड कुशीनगर वैशाली ओके ये डेवलप हो रहे थे, किसमें? ट्रेड एंड कॉमर्शियल सेंटर के रूप में। तो उस समय जो नॉर्थ इंडिया था उसमें अर्बेनाइजेशन हो रहा था। इसके अलावा जो कौशाम्बी है कुशीनगर है ओके वैशाली है, ये जो प्लेस थे ये जो कैपिटल्स के रूप में या कॉमर्शियल एक्टिविटीज के रूप में, तो ये काफी क्या हो रहे थे, फेमस हो रहे थे, डेवलप हो रहे थे। पीपल बिकम रिच एंड प्रोस्पीरियस, और यहाँ के लोग क्या हो रहे थे, काफी प्रोस्पीरियस हो रहे थे, रिच हो रहे थे, बिकॉज वहां पर उनका जो व्यापार था ओके वाणिज्य की जो गतिविधियां थी तो ये काफी डेवलप हो रही थी, इसलिए अब उनके पास में पैसा आने लग गया था और वो रिच होने लग गया था। वेश्याज वांटेड ए बेटर पोजिशन इन सोसाइटी विच वॉज नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू द वेदिकल्स। अब देखिए जो वेश्य थे यानी कि जो व्यापार वगैरह करने वाली जो कैटेगरी थी जो कि थर्ड कैटेगरी में मानी जाती थी, तो ये अपनी पोजीशन पाना चाहते थे। वो कह रहे थे हम व्यापार वगैरह करते हैं और हम रिच भी हो गए, बट फिर भी जो वैदिक कल्चर है उसमें हमारी इंपॉर्टेंस नहीं है, हमको उसमें निम्न माना जाता है। ओके, बिकॉज वो शूद्र से जस्ट ऊपर वाली रैंक में आते थे और उनसे ऊपर क्षत्रिय और ब्राह्मण थे, तो वो अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते थे, सोसाइटी में अपनी इमेज बनाना चाहते थे, बट उनको ये भी पता था कि वैदिक कल्चर के अकॉर्डिंग हम अगर रिच भी हो गए प्रॉस्पेरियस भी हो गए तो भी हमारी जो इमेज है वो इतनी अच्छी नहीं बन सकती, क्योंकि वर्ण सिस्टम था। द कंडीशन ऑफ द शूद्रास वार पैथेटिक, और जो शूद्रास थे उनकी कंडीशन तो और भी ज्यादा खराब थी, पैथेटिक यानी कि खराब थी, दयनीय थी, बुरी थी। दे वार बींग एक्सप्लॉयटेड एंड इल ट्रीटेड बाय द अदर थ्री कास्टेज, और जो शूद्रास थे यानी कि जो साफ सफाई से रिलेटेड वर्क करते थे ओके,
तो उनकी कंडीशन तो और भी ज्यादा बुरी थी, बिकॉज उससे ऊपर वाली जो तीनों क्लासेस थी, ओके, ब्राह्मण क्षत्रिय एंड वैश्य, ये उनका शोषण करते थे, उनके साथ में बुरा व्यवहार करते थे. इट वॉज दिस एटमोस्फेयर दैट न्यू रिलीजियस सेक्ट्स इमर्ज्ड. तो इस समय ऐसा वातावरण गया कि नए धर्म की वहां पर जो है वो प्रादुर्भाव हुआ, नया जो धर्म हुआ वो भी शुरू हो गया उसमें. ओके, टू मोस्ट वेल नोन एंड पॉपुलर सेक्ट्स वर बुद्धिज्म एंड जैनिज्म. इसीलिए जो वैदिक धर्म था, वैदिक कल्चर था, उससे हटकर कुछ लोग जो थे उन्होंने नया नया धर्म जो है अपनाने की बात सोची, और उसी समय जो बौद्ध धर्म है यानी बुद्धिज्म एंड जैन धर्म यानी जैनिज्म जो थे ये डेवलप हुए और ये पॉपुलर हो गए. ओके, तो इस तरह से जो अपने वैदिक जो कल्चर था उसमें कुछ चीजें लोगों को कुछ पसंद नहीं आई, तो उन्होंने फिर नए धर्म की ओर रुख करना शुरू कर दिया. अब देखिए, बौद्ध दीज सेक्ट्स गेव इक्वल स्टेटस टू ऑल. अब देखिए, जो बौद्ध धर्म है, ओके, बुद्धिज्म है या जैन धर्म यानी जैनिज्म है, तो इन दोनों धर्मों के अंदर सभी लोगों को इक्वल माना जाता है. जबकि अपना जो वैदिक धर्म है, हिंदू धर्म है, उसमें क्या था, वर्ण सिस्टम था. ओके, तो उसमें कैटेगरीज डिवाइड कर दी गई थी, अपर लो मीडियम इस तरह से, तो कुछ लोगों का उसमें शोषण होता था. ओके, लेकिन जैन धर्म और बौद्ध धर्म ऐसा नहीं था, वहां पर ऑल पीपल को जो है वो इक्वल माना गया कि सभी वहां पर क्या है, इक्वल है. बौद्ध दी सेक्ट गेव इक्वल टू ऑल रिगार्डलेस ऑफ देयर वर्ण्स. This idea of equality attract people from all varnas and walks of life in large number. अब देखिए, जो बौद्ध धर्म था, जैन, ओके स्टूडेंट्स, इंटरनेट चले गया था. यस, आ रही आवाज? बच्चों, आ रही है क्या आवाज? ओके, देखिए इसमें तो अब क्या हुआ, जो अपर कास्ट के थे, लोअर कास्ट के थे, इनमें से बहुत सारे लोगों को ये जो न्यू रिलीजन थे, जैनिज्म बुद्धिज्म में, ओके, ये धर्म जो है उनको अट्रैक्ट कर रहा था, बिकॉज इसमें सभी लोगों को इक्वल माना गया था, इसलिए बहुत सारे लोग इसकी तरफ आ गए थे और इन ये जो रिलीजन थे इनको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था और इस धर्म के वो अनुयायी हो गए थे. ओके, तो बहुत सारे जो लोग थे, तो जो फ्रॉम ऑल वर्णास एंड वॉक ऑफ लाइफ इन लार्ज नंबर. क्लियर बच्चों यहाँ तक? अब हम देखते हैं बुद्धिज्म यानी कि बौद्ध धर्म. आई वाज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म. बुद्धिज्म यानी कि जो बौद्ध धर्म थे, इनके फाउंडर कौन थे? मैं ऑप्शंस बोल रहा हूं. ओके, वर्धमान महावीर, गौतम बुद्ध, अंबेडकर. इनमें से एक बताइए. वॉज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म. वर्धमान महावीर, गौतम बुद्ध, डॉक्टर अम्बेडकर या गांधी जी, इनमें से कौन थे फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म? अब देखिए, गौतम बुद्ध और भगवान महावीर, इन दोनों की जो भी पिक्चर्स रहती है, मूर्तियां रहती है, ये एक जैसी रहती है. ओके, अगर उनके नीचे नेम नहीं देंगे तो आप पहचान भी नहीं पाओगे. ओके, अगर फोटो नहीं होगी, फोटो के नीचे नाम नहीं होगा, तो पहचानना इनको मुश्किल हो जाता है. तो आप इनको पहचान सकते हैं इजीली. ओके, अगर थोड़ा सा माइंड यूज करोगे. जो भगवान महावीर है वो सीधे ऐसे बैठे रहते हैं, जबकि जो भगवान बुद्ध है
इनकी जो पोजीशन है बैठने की वो थोड़ी अलग रहती है। ओके अब देखिए, ये तो द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म वाज सिद्धार्थ, तो इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ओके और इनको बाद में गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। तो अगर ऑप्शन में सिद्धार्थ पूछा जाए तो आप सिद्धार्थ कर देना, जरूरी नहीं है गौतम बुद्ध लिखे। डायरेक्ट क्वेश्चन है वाज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म और ऑप्शन में दे दे महावीर, सिद्धार्थ, अंबेडकर, गांधी जी, तो आपको पता होना चाहिए कि जो भगवान बुद्ध है उन्हीं को गौतम भी कहा जाता है और उनको गौतम बुद्ध भी कहा जाता है और सिद्धार्थ भी उन्हीं को कहा जाता है। ओके ही वॉज बॉर्न अबाउट 2500 ईयर्स अगो, इनका जन्म लगभग 2500 साल पहले हुआ था। ओके बुद्धा वाज ए क्षत्रिय, और ये क्या थे, क्षत्रिय थे, बिलोंग टू ए स्मॉल गण नॉन एज साक्य गण। साक्य गण हमने डिस्कस किया था, वहां पर कौन सी व्यवस्था थी उस समय 2500 साल पहले, जो साक्य गण था वहां पर कौन सी व्यवस्था थी बताइए, मनीष, रितिका एंड स्टूडेंट्स, बिना पेज चेंज किए डायरेक्ट बताना कौन सी पॉलिटिकल व्यवस्था थी 2500 ईयर्स बिफोर साक्य गण के अंदर। फास्ट विद इन 2 सेकेंड्स, जल्दी बताओ, शॉर्ट में बता दीजिए, मैं समझ जाऊंगा क्या आपको आ रहा है। वेरी गुड, रितिका ने बिल्कुल रॉन्ग आंसर दिया। एंड नेक्स्ट, बाकी स्टूडेंट्स जो है वो पेज चेंज कर रहे हैं, मैं पेज भी बता दूंगा, पेज नंबर 40 है। वेरी गुड मनीष नाथा, यू आर वेरी गुड, योर आंसर इज आल्सो रॉन्ग। चेतन ने तो पता नहीं क्या आंसर दिया, क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूं। फाइव हंड्रेड ईयर्स बिफोर, ओके, जब भगवान जन्म हुआ था साक्य गण के अंदर, उसमें वहां पर कौन सी शासन व्यवस्था थी, पॉलिटिकल सिस्टम कौन सा था वहां पर, साक्य गण के अंदर कौन सी पॉलिटिकल सिस्टम था। वेरी गुड रितिका, मोनार्चियल, वेरी गुड, रॉन्ग आंसर मनीष जनाज, ये पता नहीं क्या आंसर दे रहे हैं। रिपब्लिक था बच्चों, रिपब्लिक, आप पेज नंबर 40 में ढूंढ रहे हैं, मैंने जानबूझ के पेज नंबर 40 बताया है, बट ये है आपके 44 पर। ओके पेज नंबर 44 में देखिए, पॉलिटिकल सिस्टम है, मैंने आपको बताया था रिपब्लिक एंड मोनार्चियल, तो रिपब्लिक में बताया था कि वहां पर जो शाक्य गण था तो वहां पर रिपब्लिक था, और नेम आपको पता लगना चाहिए शाक्य गण यानी कि रिपब्लिक को ही अपन गण बोलते हैं, गणतंत्र यानी कि रिपब्लिक। ओके तो जो रिपब्लिक होता है वो ही गणतंत्र होता है, तो नेम से ही पता लग रहा है, क्वेश्चन मिलेगा शाक्य गण, ओके यानी कि रिपब्लिक सिस्टम था वहां पर, क्लियर है, और मगध के अंदर मोनार्ची था। और मैंने कहा था उस समय, आप इसको अंडरलाइन कीजिए, ध्यान रखना, तो उस समय वहां पर कौन सी व्यवस्था थी, गणराज्य था, यानी कि वहां का जो किंग था, रिप्रेजेंटेटिव था, वो वहां के पीपल द्वारा इलेक्ट होता था। ओके तो वहां पर इनका जन्म हुआ था। ओके यस, तो टॉपिक तो ये काफी लॉन्ग है जो हम नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। ओके क्लियर है बच्चों, आप चैप्टर को रीड करना, फिर नेक्स्ट क्लास इसको एक्सप्लेन और करूंगा। इसमें एक स्टोरी है पेज नंबर 51 के अंदर, ओके ये भी आप रीड करना। बाय, हैव अ नाइस डे।